क्या बोला रे जॉर्जी, दादा से पैसे उठवा। ये जो पिंजरा है ना, जब भी तेरे जैसा नया पंछी इसमें आता है ऐसे ही फड़फड़ाता है। लोहे का ये खिलौना जो सिर्फ मौत की बोली बोलता है, मेरा इशारा पाते ही ये कोहराम मचा देगा। क्या आपको पता है, मंगेशकर ने जब मुंगड़ा इस गाने के गीत देखे तब उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन से शिकायत की। उन्हें इस गाने के गीत बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। गाना बनकर रिलीज हुआ तब बहुत लोगों ने इस गाने को सर पर उठा लिया। इसी गाने के कारण एक कलाकार बहुत लोकप्रिय हुआ जिस पर आज की कहानी आधारित है। गाने का सीन होने के बाद अमजद खान और एक बॉडी बिल्डर के बीच फाइट का सीन आता है। उस बॉडी बिल्डर को आपने ढेर सारी फिल्मों में देखा होगा, पर मुंगड़ा इस गाने के कारण दर्शक अक्सर उस कलाकार के बारे में सोचने लगते हैं। लगभग 250 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले उस कलाकार का नाम है गुरबचन सिंह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। गुरबचन सिंह जैसे कलाकारों की कहानी सुनाने में हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आसमान में चमकते हुए कुछ सितारों के कारण बाकी सितारों की रोशनाई का एहसास होता नहीं, पर वे सितारे भी बाकियों की तरह चमकते हैं। फिल्म उद्योग में भी सैकड़ों कलाकार ऐसे हैं जिन्हें आज जानने की ज़रूरत है। गुरबचन सिंह का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में 60 के दशक में हुआ था। उनके पिताजी करतार सिंह नारू एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी माताजी राजकौर गृहिणी थी। करतार सिंह नारू 1926 के साल के मैट्रिक पास इंसान थे। आगे चलकर वे गुरदासपुर के एक गांव में तहसीलदार बन गए। इस कारण से शहर के नामी परिवार से उनकी पहचान बनी। बतौर तहसीलदार उनका गांव में एक रुतबा जरूर था, फिर भी उनका जीवन एक सामान्य स्तर में बीता। ऐसे सहज परिवार में गुरबचन सिंह ने जन्म लिया। गुरबचन सिंह का रुझान दो जगह था, एक तो कुश्ती और दूसरा एक्टिंग। वे जिस जगह से जुड़े थे वहां से बड़े बड़े हस्तियों ने माया नगरी मुंबई जाकर नाम कमाया था। उनमें देव आनंद और विनोद खन्ना जैसे विशेष लोग थे। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा भी गुरदासपुर से थे। 100 से भी अधिक महान हस्तियां अकेले गुरदासपुर से निकले थे। एक्टिंग में दिलचस्पी होने के कारण वे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, पर कुश्ती की दुनिया में वे काफी सफल होते हुए दिखे थे। गुरबचन सिंह मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे पढ़ाई होगी नहीं। तहसीलदार का ये बच्चा मैट्रिक में 2 बार फेल हो गया। पिताजी को उन्होंने सीधे बोल दिया कि पढ़ाई उनसे होगी नहीं। बचपन से वे देव आनंद के बड़े फैन थे। बाकी कलाकारों की फिल्में देखकर वे बड़े हुए थे। उनकी माताजी ने उनको बोल दिया था कि वे खुद अपना नाम इतना रोशन करें कि दूसरे लोग उन्हें देखने के लिए आने चाहिए। पिताजी के सामने जाकर उन्होंने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने प्रो रेसलर टाइगर जीत सिंह को अखाड़े में हरा दिया था। इसके अलावा उन्होंने दारा सिंह के भाई रंधावा से 36 मिनट तक कुश्ती खेली थी, पर उस मैच में वे हार गए थे। उस हार की खबर न्यूज़पेपर में भी छपी थी। 16-17 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती खेलना शुरू किया था। वे बाकायदा गुरु सरदार साहेब सिंह जी के यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे अखाड़े से निकलकर फिल्मों के करीब जाने लगे। 1960 और 65 के बीच धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल गुरदासपुर रेलवे स्टेशन में जॉब करते थे। गुरबचन के पिताजी अजीत सिंह को पहचानते थे। पिताजी के कहने पर अजीत सिंह ने अपने भाई धर्मेंद्र के नाम गुरबचन के लिए सिफारिश पत्र लिखा। चिट्ठी देकर अजीत सिंह ने गुरबचन सिंह के पिताजी को गारंटी दी कि उनके बच्चे का काम हो जाएगा। उस चिट्ठी को लेकर गुरबचन मुंबई आए, पर उन्होंने अपना दिमाग चलाया और गुरदासपुर से आए हुए अन्य कलाकारों को मिलना शुरू किया। एक के बाद एक कलाकारों ने गुरबचन को रिजेक्ट किया। सबसे पहली मुलाकात खुद दारा सिंह से हुई। फिल्म लाइन में काम करने वाली बात सुनकर दारा सिंह ने उन्हें गाली देकर कहा कि आप इतने अच्छे रेसलर हो, अखाड़ा छोड़कर यहाँ कहाँ चले आए। दारा सिंह ने उन्हें यह भी कहा कि ये माया नगरी है, यहाँ किसी का भला नहीं होता। इस पर जवाब देते हुए गुरबचन ने दारा सिंह से कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर दारा सिंह ने उन्हें मदद करने से सीधे सीधे मना कर दिया। इसके बाद गुरबचन देव आनंद के घर चले गए। नौकर ने ऊपर जाकर देव आनंद को किसी के आने की खबर दी।
देवानंद सामने आए और गुरबचन ने बोलना शुरू किया, सर मैं गुरदासपुर से आया हूँ। उनके बात को आधे में काट कर देवानंद ने कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर दी। दरअसल देवानंद उन पर यकीन कर नहीं रहे थे। देवानंद ने इनकार करने के बाद वे राज खोसला के यहाँ चले गए। वहां भी उनकी दाल गली नहीं। अंतः उन्हें अजीत देओल ने लिखी हुई चिट्ठी याद आई। यहां से दोबारा गुरदासपुर ना लौटने की बात पर गुरबचन अड़े रहे। चिट्ठी लेकर वे धर्मेंद्र के बंगलो गए। वॉचमैन ने उनसे अजीत देओल की लिखी हुई चिट्ठी ले ली और उन्हें 10 मिनट तक इंतजार करवाया। गुरबचन को लगा कि यहां भी उनका काम होगा नहीं, पर इस बार उन्हें किस्मत का साथ मिला। वॉचमैन दोबारा उनके पास आया और बोला, आपको धर्मपाजी ने अंदर बुलाया है। धर्मेंद्र का इतना बड़ा बंगलो देखकर गुरबचन पहले ही चौंक गए। दो माला चढ़कर जब उन्होंने धर्मेंद्र को सामने बैठे हुए देखा तो वो असहज हो गए। धर्मेंद्र ने उन्हें देखकर पहला सवाल पूछा, शराब पियोगे? गुरबचन ने कहा, सर मैं शराब पीता नहीं। ठीक है, चाय पियोगे? नहीं सर, मैं चाय भी नहीं पीता। तो इस तरह से धर्मेंद्र से उनकी मुलाकात हुई, बातें हुई और गुरबचन का काम भी हो गया। जब धर्मेंद्र को पता चला कि मुंबई में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तब तुरंत ही उन्होंने गुरबचन को अपने घर में रहने के लिए कहा। शुरू शुरू में गुरबचन ने मना किया, पर धर्मेंद्र जिद करने लगे। उन्होंने दारा सिंह के यहाँ से अपना सामान लाया और धर्मेंद्र के साथ रहने लगे। धर्मेंद्र ने उन्हें ये भी कहा था कि उनके पास सैकड़ों चिट्ठियां आती रहती हैं। धर्मेंद्र के कारण गुरबचन को मुंबई में सहारा तो मिल गया, पर एक्टिंग को लेकर वे तब भी परेशान ही थे। धर्मेंद्र के साथ दूसरे लोगों ने भी उनके कुश्ती की तारीफ की थी। उनकी बॉडी बिल्डिंग से सब लोग प्रभावित होते थे, इसीलिए अन्य लोगों ने उन्हें फाइट मास्टर बनने की सलाह दी। पहले चरण में अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। वे ना सिर्फ धर्मेंद्र के डबर बने, बल्कि मनोज कुमार और दिलीप कुमार का डबर बनने का मौका भी मिला। बॉडी डबर से शुरू हुआ उनका सफर साइड विलन तक पहुंचा। 1973 की कच्चे धागे में उन्होंने छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई। हर साल 15-20 फिल्मों में गुरबचन लगातार दिखने लगे। 1977 की इनकार फिल्म का जिक्र तो हमने पहले ही कर दिया है। धर्मेंद्र के बाद उन्हें दूसरी सबसे बड़ी मदद अमजद खान से मिली। उस समय अमजद खान डायरेक्टर बन गए थे। उनके द्वारा डायरेक्टेड चारों फिल्मों में गुरबचन को अच्छे किरदार निभाने का मौका मिला। गुरबचन तो फिल्मों में सफल हो गए, पर बाकी लोग धर्मेंद्र को चिढ़ाने लगे कि आप अपने गांव के लोगों को फिल्मों में एंट्री करवाते थे, अब फाइटर भी लाने लगे हो। आज शायद इनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, पर गुरबचन जैसे ढेर सारे कलाकारों की पहचान छुपी हुई है। आसमान में चमकते हजारों सितारों की तरह गुरबचन नामक इस सितारे ने 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और आज भी वे काम कर रहे हैं। आज के दौर में गुरबचन अपनी पत्नी गुरिंदर, एक बेटा अंकू और एक बेटी बिबिन के साथ सुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपने फैन से जुड़े हुए हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।